देश भर में। ऐसे में उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में मतदान हो रहा है। यूपी में अब तक 28.02% मतदान हो चुका है। महाराजगंज में सबसे ज्यादा 29.66% मतदान हुआ है। वाराणसी में अब तक सबसे कम 26.13% वोटिंग हुई है, तो मिर्जापुर में 29.54% मतदान, घोसी में 27.67% मतदान हो चुका है। गोरखपुर की बात करें तो 26.64% मतदान हुआ है। कुशीनगर में 28.06% मतदान हुआ है। देवरिया में 28.10%, बांसगांव में 28.30, सलेमपुर में 27.94%, बलिया में 27.81% मतदान की खबर है, तो गाजीपुर में 27.55% वोटिंग हुई है। चंदौली में 19.08% मतदान हुआ है। रॉबर्ट्सगंज में 28.29% मतदान की खबर है। तो यूपी में कुल मिलाकर अब तक 28.02% वोटिंग हुई है। ये ताजा आंकड़ा हम आपका बता रहे हैं। सातवां चरण उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है और जिन 3 संसदीय क्षेत्र में ये वोटिंग हो रही है उसका आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। साथ ही तस्वीर देखिए, ये 12 तस्वीरें आपके सामने हैं। देवरिया से लेकर वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, घोसी, महाराजगंज समेत सोनभद्र, गोरखपुर, बलिया, कुशीनगर, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज से आ रही ये तस्वीरें हैं। किस तरह लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं, कहीं कम मतदान हुआ है, कहीं ज्यादा मतदान हुआ है, कहीं सही सही कहा जा सकता है कि अभी तक समय जितना हुआ है उसके हिसाब से ठीक मतदान देखा गया है। कुछ जगहों पर परसेंट कम भी देखा जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर पोलिंग बूथ से जो तस्वीरें आ रही हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और सीधे अब आपको देवरिया लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी उमा शंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं से इस पर अपडेट लेते हैं। उमा शंकर, देवरिया से मतदान की कैसे रिपोर्ट है और दोपहर 1 बज चुके हैं, इस आंकड़े को आखिर किस रूप में देखा जाए? देखिए, अगर हम सुबह की बात करें तो लगातार देवरिया में मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है। 11 बजे तक 28% पोलिंग हो चुकी थी, लेकिन अब 1 बज चुका है, अभी थोड़ी देर में आंकड़ा आएगा। ये माना जा रहा है कि 32 से लेके 35% के बीच में वोटिंग प्रतिशत 1 बजे तक आएगी। और मैं इस वक्त एक जिला मुख्यालय के पोलिंग बूथ पे खड़ा हूँ। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ बहुत मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके अभी अभी निकले हैं। इतनी धूप में आप मताधिकार का प्रयोग करके आए, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, धूप तो धूप है और धूप से लोग परेशान भी हैं, परंतु ये हमारा कर्तव्य है वोट देना, वोट करना, और देश हित में वोट देना तो जरूरी है ही। इसलिए हम बाहर आए, हम लोगों ने वोट दिया और धूप है परंतु वोट देना तो जरूरी है। हमारे साथ एक लड़की है, आप पहली बार मतदान करने हैं, क्या सोच के वोट डालने आई है? महंगाई कम हो, हम युवकों को कुछ नौकरी मिले, अच्छा सरकार बने। आप इन तस्वीरों में आप ये साफ तौर से देख सकते हैं कि भले ही दोपहर का 1 बज चुका है, लेकिन अभी भी लोगों की लाइनें हैं और लगातार इस लोकतंत्र के महापर्व में लोग मतदान करने के लिए मतदान बूथ पहुंच रहे हैं। हालांकि अगर हम देवरिया जनपद की बात करें तो अब तक ये माना जा रहा है कि 32 से लेकर 35% वोटिंग हुई होगी 1 बजे तक, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस समय धूप तेज है, मतदान प्रतिशत भी ठीक चल रहा है। और हमारी आपसे सभी से गुजारिश है कि अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल, और यही अपील न्यूज 18 भी कर रहा है, क्योंकि अंतिम दौर का रण है। आज लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश से वोटिंग खत्म हो जाएगी, इसीलिए यह अंतिम मौका है। अब सरकार चुनने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं, कुछ समय निकालें, घर से बाहर जाएं उचित समय देखकर और वोट अपना जरूर कास्ट करें। उधर वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी ने कहा है कि बनारस में सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो है नरेंद्र मोदी, और पूरा काशी मोदी मोदी बोल रहा है। एक ही मुद्दा है, नरेंद्र मोदी और विकास, और कोई तीसरा मुद्दा नहीं है। पूरा काशी बम बम बोल रही है, मोदी मोदी बोल रही है। मोदी जी वहाँ साधना कर रहे हैं, विपक्ष वहाँ पढ़ाने, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको पता होगा 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी वोट की बात से गए थे, 2019 में भी गए थे और आज 2024 में भी चुनाव प्रचार के बाद आप कर रहे हैं। तो ये सनातन विरोधी लोग हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये भी जाए करिए तो अभी बैंकॉक भाग जाएंगे। अच्छा। इनके जो नेता अभी तो बैंकॉक भाग जाएंगे, कोई विदेश चला जाएगा। और बीजेपी के राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत ने गाजीपुर में अपना वोट कास्ट किया है और लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में वो घर से बाहर निकलें और अपना वोट कास्ट करें।
आज अंतिम चरण का मतदान पूरे देश में हो रहा है 57 सीटों पे, जिसमें गाजीपुर में भी मतदान हो रहा है और मैंने अपने मतदान का प्रयोग कर लिया है। जनपद वासियों से और देशवासियों से मेरा निवेदन है कि वो अधिक से अधिक मतदान करें, अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वहन करें और विकसित भारत में अपनी भूमिका दर्ज कराएं। धन्यवाद। और न्यूज 18 से बातचीत के दौरान राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह ने कहा कि आरक्षण और संविधान को लेकर कांग्रेस ने झूठ फैलाने की कोशिश की है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। साफ कर दिया कि हम एग्जिट पोल पे जाएंगे नहीं, तो पहले ही उन्होंने हार स्वीकार ली है। तो साफ तौर से ये जो इलेक्शन आते हैं कांग्रेस और इंडिया अलायंस, वो संविधान हो आरक्षण हो, इस पर साफ तौर पे कांग्रेस ने जिस तरह का झूठ फैलाने का प्रयास किया उसको भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री ने उसका हमेशा स्पष्टीकरण किया है। अगर कोई संविधान बदलेगा और अगर आरक्षण समाप्त करेगा, ये इंडिया अलायंस ही करेगी। अभी एग्जिट पोल के जो होने वाले हैं, डिबेट होने वाले चैनलों पे कांग्रेस पार्टी ने साफ मना कर दिया कि उनका कोई प्रवक्ता चैनलों पे नहीं जाएगा। किस रूप में इसको देख रहे हैं? साफ तौर से उनको मालूम है बुरी तरह हार रहे हैं, तो पहले काउंटिंग से पहले ही जब स्टूडियो से भाग भाग जा रहे हैं, पहले तो बहुत स्टूडियो में आके चिल्ला रहे थे जब तक इलेक्शन चल रहा था, अब जब एग्जिट पोल और गिनती के दिन पास आ रहे हैं तो ये फिर गायब हो जाएंगे और फिर अगले इलेक्शन में फिर दिखाई देंगे। अच्छा, फाइनली कितना माने, कितनी सीटें पूरे देश में आप जीत रहे हैं? सर, हमारा तो और देश का नारा 400 पार का है, तो हम 400 पार अवश्य करेंगे। और सीधा घोसी आपको लिए, माफ कीजिए, सीधा आपको लिए चलते हैं अभिषेक राय के पास। घोसी से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, घोसी से क्या रिपोर्ट है? अब उपचुनाव में विपक्षी गठबंधन के पास ये सीट चली गई, एक तरह से यहां पर ओपी राजभर के लिए एक सम्मान का विषय भी है। जी बिल्कुल, देखिए ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर एनडीए के प्रत्याशी हैं और वही समाजवादी पार्टी इंडिया के गठबंधन से राजीव राय मैदान है। दोनों के बीच काफी कांटे की टक्कर है और लगातार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता घोसी में कैंप किए थे और बड़ी बड़े जनसभाएं किए थे। पीएम मोदी, अमित शाह और तमाम जो बड़े बड़े नेता थे मऊ में पहुंचे थे और जनसभा करके अपने प्रत्याशी के लिए वोट दिए थे। समाजवादी पार्टी के नेता भी अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव कैंप कर यहाँ वोट मांगे थे। कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की दांव प्रतिष्ठा पे लगी है, क्योंकि वो राजभर काफी पूर्वांचल में काफी महत्व रखते थे और राजभर समाज के काफी यहाँ पे मतदाता थे और राजभर समाज के ही पर डिबेट को देखते हुए उनको वोट टिकट दिया था एनडीए ने। उनको एक सीट वो भी छड़ी के निशान से दिया था, जिसको लेकर अब मऊ में काफी टक्कर को देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी भी उनके सामने काफी मुकाबले में खड़ी है और तो जो देखा जाए बसपा से बालकृष्ण चौहान है वो भी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं सभी समीकरण को देखते हुए, जाति समीकरण के घोसी में चुनाव के लिए, मतदान के लिए और तमाम जो प्रत्याशी हैं और जो मुद्दे हैं उनको लेकर जनता वोट कर रही है घोसी में। और बताया जा रहा है कि 12 बजे का जो मतदान प्रतिशत है करीब 32-35% हुआ है और अभी भी इसको बढ़ने का, लेकिन जो धूप की वजह से लोग नहीं निकल रहे हैं और काफी कम जो बूथ जो मतदान केंद्र है वहाँ पे काफी सन्नाटे पसरे हुए हैं और लोग बिल्कुल। और अभिषेक, इस दौरान अगर आपके आसपास कुछ लोग हों जिन्होंने वोट कास्ट कर लिया हो या लाइन में लगे हों, उनसे यदि आप बात कर पाए, उनसे टटोलने की कोशिश कर पाए कि आखिर क्या मुद्दे हैं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले यहाँ पर उपचुनाव हो चुका है, विपक्षी गठबंधन यहाँ से जीता था, अब आम चुनाव में ये सीट फिर से है, और क्या सोच रहे हैं लोग, वहाँ के मुद्दे क्या हैं? चलिए मुद्दे जानेंगे लोगों से, उनसे बातचीत की कोशिश करेंगे, क्योंकि सभी जानते हैं इस वक्त कितनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में वोटर जो है वो सोच समझ के समय देख करके निकल रहे हैं। और फिलहाल जो दोपहर 1 बजे का वक्त है, वहां पर जो लंबी लंबी लाइनें पोलिंग बूथ के बाहर लगा करती हैं वो फिलहाल अभी नहीं दिख रही है। मऊ से सुभाषपा उम्मीदवार अरविंद राजभर ने चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है इसी सीट से। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। आपको पूरा वक्तव्य सुनाते हैं, क्या कहा उन्होंने। पास सिर्फ दावा है किस चीज का? जाति का। विपक्ष के पास सिर्फ दावा है किस चीज का? घमंड का। विपक्ष के पास सिर्फ दावा है किस चीज का? अशिक्षा का। उसके पास कोई प्लान नहीं है, वो एक पॉलिटिशियन के तौर पर लोग इस बात को कहने का काम कर रहे हैं। मैं एक लीडर के तौर पर, पॉलिटिशियन
तोड़ जोड़ लगाता है, काट छाट करता है अपने चुनाव जीतने के लिए, और मैं प्रयास करता हूं कि जो यहां की दुर्व्यवस्थाएं हैं उसको हम कैसे दुरुस्त करें। विपक्ष सिर्फ इसी चीज पर टिप्पणी करते हुए वो चुनावी मैदान में है, लेकिन हमारा एजेंडा जनता के साथ जुड़ा हुआ है और जनता की मूल भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हमने अपना मतदान छड़ी पर करने का काम किया है। आने वाले 4 तारीख को रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, जनता ने मूड बना लिया है, संकल्प ले लिया है कि हमें निर्णय देना है, बाकी निर्माण का कार्य अरविंद राजभर का होगा। उधर बीजेपी प्रवक्ता तरुण चुग ने पीएम के ध्यान पर सवाल उठाने को लेकर विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। विवेकानंद रोक के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। असल में इनके मन में है कि वेस्ट इज बेस्ट, पर स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में बता दिया था कि भारत इज द बेस्ट, और उन्होंने भारत की संस्कृति का परचम पूरे विश्व में फहराया था। पर असल में नाइट क्लब्स और पब्स में छुट्टियां बिताने वाले, इटली जिनके लिए सर्वश्रेष्ठ है, जो इटली जाना जिनके लिए जरूरी है, उन्हें क्या पता भारत की संस्कृति क्या है। और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से बीजेपी प्रत्याशी पंकज चौधरी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने जो काम किया है उसके चलते मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मत पड़ा, ये कहीं ना कहीं 10 साल का जो मोदी जी का सुशासन रहा, 10 साल में जो हम विरासत और विकास का जो कार्य किए हैं उसके आधार पर निश्चित तौर से मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री। किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है आज आखिरी चरण में? देखिए लंबी लंबी लाइनें लगी, आम मतदाता कहीं ना कहीं जाकर के अपने मत का इस्तेमाल कर रहा, इससे ही जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं देश जनता प्रभावित है और वो करने निकल रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों से मतदान करने की अपील की। मतदान का अधिकार है और सबको अपना मतदान देना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। मैं श्रीनगर से आकर के इस महापर्व में भाग लिया हूं और सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह होगा कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करके देश के लोकतांत्रिक परंपरा में अपनी हिस्सेदारी निभाएं। उधर कांग्रेस ने INDIA गठबंधन की जीत का दावा किया है, आपको सुनवाते हैं क्या कहा। बहुत उत्साहित माहौल है, माहौल पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, कांग्रेस की बड़ी जीत होने जा रही है। यहाँ की निवर्तमान विधायक वीरेंद्र चौधरी जी हमारे प्रत्याशी हैं और वो भावी सांसद हैं। मेरा अपना मानना है कि इंडिया गठबंधन के नेता जन मुद्दों पर इस चुनाव को लड़ते रहे, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, महिलाओं के हक, किसानों के हक, मजदूरों के हक और सम्मान के लिए, और उसी से जनता प्रभावित होकर हमें एक लंबा, बहुत ही लंबे मार्जिन से जिताने जा रही है। मेरा अपना मानना है कि ये वोट लोगों ने मोहब्बत के नाम, अमन के नाम, चैन के नाम, रोटी और रोजगार के नाम पहुंचाना है।